मेरी तालीम और तरबियत, ये जो आपके पड़ोस में यूनिवर्सिटी है वहीं हुई है, और मैं उन दौर के लोगों में से हूँ जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल लॉर्ड मिंटो सर्किल में कोई एक या दो मुश्किल से हिंदू पढ़ा करते थे, और पांचवी क्लास तक थियोलॉजी पढ़नी पड़ती थी जिसे दीनियात कहते हैं, उसके तहत आपको कुरान मजीद के आयतें पढ़ाई जाती थीं, सिखाई जाती थीं, और अगर ना भी आप पढ़ना चाहें तो उस दौर में मुल्ला जी के हाथ में बगनबेरिया की डंडी होती थी तो अच्छे अच्छे पढ़ लेते थे। मैंने भी पढ़ा, हम भी पास हुए पांचवी तक, लेकिन जहां कुरान में अल्लाह मियां ये फरमाते हैं कि सच के लिए अगर आपको गर्दन कटानी पड़े तब भी सच बोलिए। अब मैं पिछले चार पांच अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जब सच बोलता हूं तो कोई दुबई से फोन करता है, कोई अलीगढ़ से फोन करता है, यार ऐसा क्यों बोला और वैसा क्यों बोला, लोग परेशान हैं इस बात से। भाई मैंने कहा कि अगर कुरान मजीद में जो कुछ बातें लिखी हैं, जो आपको अच्छी लगी आपने समझ ली, जो मुझे अच्छी लगी मैंने समझ ली, मैं वही काम कर रहा हूं जो कुरान में कहा था, तो फिर बुरा क्यों लग रहा है? तो डिफेक्ट कहां है? डिफेक्ट इस बात में है, देखिए मैं एक बात बहुत वाज़े तौर पे कर दूं, यहां अलग अलग सोच के लोग, आइडियोलॉजी के लोग होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होंगे, न मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, न मेरी कोई आइडियोलॉजी है, मेरा एक ही कमिटमेंट है कि मैं नेशनलिज्म पे किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। नेशनलिज्म से मेरे लिए कोई ऊपर नहीं है, वो कितना भी बड़ा लीडर हो और कितना भी बड़ी जमात हो। तस्लीमा नसरीन का नाम सुना है आप लोगों ने? तस्लीमा नसरीन इस देश में जहां महिलाओं के लिए एक खास सोच है, बड़ी करुणा है, हमारा माजी भी रहा है, हमारे प्राणों में, रामायण में, महाभारत में, सब जगह उसका एक बड़ा दर्जा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरकज में नहीं थी और देश के सबसे लिबरल लोग जो धारा 377 के हटने से इतने खुश हैं कि पता नहीं उनको कोई नई चीज मिल गई हो, जो जेएनयू में आजादी की बात करते हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तस्लीमा नसरीन उनकी हुकूमत में बंगाल से रातों रात भगाई गई और उसको दिल्ली में शरण लेनी पड़ी, और दिल्ली में जो कम्युनिस्ट बैठे थे, सीताराम येचुरी और प्रकाश कारत जैसे लोग, उनको लगा कि जिस कारण से तस्लीमा नसरीन से लोग नाराज हैं वो उनका मास्टर वोट बैंक है। आपको याद होगा आर एस सिंह साहब उस वक्त एक्टिव उसमें होंगे, मनेसर नाम की एक जगह है जहां एनएसजी का हेड ऑफिस है, उसको रात में वहां रखा और दूसरे दिन स्वीडन उड़ा दिया उसको। ये इस देश में लिबरल और लेफ्टिस्ट लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है। वो औरत आज भी दिल्ली में है और अंडरग्राउंड सिक्योरिटी में रहती है, और भारत सरकार पुरानी हो या नहीं हो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आज की डेट में पाकिस्तान के दो नागरिकों को, फिल्म निकाह की हीरोइन सलमा आगा और एक सिंगर अदनान शामी को इस देश में एक हफ्ते के अंदर नागरिकता दे दी गई, लेकिन तस्लीमा नसरीन एक एक महीने का उसका वीजा एक्सटेंड होता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज ना हो जाए। यह हमारा पाखंड है, इस पाखंड के खिलाफ बोलना होगा। कौन सरकार में है, कौन सरकार में नहीं है, यह महत्व नहीं है। अगर आप इसमें बने रहेंगे तो जिंदगी भर सच नहीं बोल पाएंगे कि एक नाराज हो जाएगा, दूसरा खुश हो जाएगा, दूसरा खुश हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा, मेरा इससे कोई मतलब।